ये रही आपकी इंटरमीडिएट की ए कॉपी और ये रहा इंटरमीडिएट का आपका बी कॉपी। ऐसा ही आपका भी कॉपी मिलेगा सेम टू सेम। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 दे रहे हैं तो ये वायरल पेपर आप अवश्य लगा कर जाइएगा, क्योंकि इस बार जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसमें 2019 से और 20 से ज्यादा क्वेश्चन 2023 में आएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 दे रहे हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपका 16 फरवरी को एग्जाम है हिंदी का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वायरल वीडियो है। इससे आप 95 नंबर तक अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा। तो ये वायरल वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश का भी नेक्स्ट वीडियो आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबकी, मैथ की वीडियो भी आने वाली है जबरदस्त। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए 16 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो ऐसा ही आएगा आपका पेपर, पैटर्न समझिए। और एक एक क्वेश्चन इस पेपर का सोल्यूशन भी करा देंगे, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 95% पक्का करना है तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और इसका पूरा PDF भी हम कॉपी का देंगे। सबसे पहले नंबर देखिए, ये जो है आपका 302 जेड के कोड का 2020 का सामान्य हिंदी का पेपर है। इस पेपर को सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए जो मतलब 30% में हट गए हैं वो भी जानकारी आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से अगर तैयारी किए हैं तो ये पेपर जरूर लगा लीजिए। आज की इस वीडियो में एक एक चीज हम सिखा देंगे, इस पेपर के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। चलिए, ये रही आपकी बी कॉपी। तो बी कॉपी पूरा जब तक ए कॉपी नहीं भरता है तब तक बी कॉपी भी नहीं मिलता है। तो ये बी कॉपी है, आपको दिखा देता हूँ, ऐसा ही आता है, कितने बच्चों को देखने को नहीं मिलता है इसलिए बता देता हूँ, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम दिखाते हैं, यहाँ पे बी ए कॉपी से स्टार्ट करेंगे। और ये जितने भी चीजें भरने के लिए मैं सिखाया हूँ, इसका वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पे सगरे मतलब कि चारों तरफ मिल जाएगा। चलिए ये पेपर को पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट आपका भी मिलेगा 2023 वाला 16 तारीख को, और पूर्णांक जो है 100 नंबर के एकदम सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना। नोट में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है, सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। और निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि निर्देश बिना पढ़े हुए और डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं, ये गलती आपको उस दिन नहीं करना है, पहले निर्देश पढ़ना है, इसमें क्या जानकारी दिया गया है पेपर के बारे में ये जानकारी होना चाहिए। पहले नंबर, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क में तथा खंड क में विभाजित रहेगा, यानी कि मालूम चल गया कि ये पेपर 2 खंड में आएगा इस बार। इसके बाद दूसरा नंबर, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्नों को करना है, छोड़ना एक भी नहीं है, ये जानकारी हो गई। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए पहला का क लिखा है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है, किसकी है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे टिक भी हो चुका है, हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ा 5 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और तब कॉपी में लिखने का तरीका भी बताते हैं, बेस्ट तरीका जो अभी कोई नहीं बताएगा। देखिए ख नंबर, विशस्य विस्मोधम की गद विदा है, किसकी है, तो नाटक की है, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ग नंबर, अरे ययावर रहेगा याद के लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं, आपको मालूम ही है। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध संग्रह है, तो ये आलोक पर्व के हैं, ठीक है। इसके बाद अंग नंबर, निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है, तो यहाँ पे सोमेश्वर बहादुर सिंह, ठीक है ना। अब चलिए इसको कॉपी में कैसे आपको लिखना है सुंदर से, ताकि सभी बच्चों से आपकी कॉपी अच्छी हो और अच्छा स्कोर करें, आप 95 तक ला सकते हैं हिंदी में। तो वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर देना है, चैनल पर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए अब देखिए कॉपी में सबसे पहले आपको कैसे लिखना है, चीजें समझिए। यहाँ पे आपको यूज करना है ब्लैक पेन हेडिंग डालने के लिए, और डॉट पेन से भी आप बोर्ड एग्जाम में ब्लू पेन का यूज करके लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालना सीखिए, बहुत सारे बच्चों को डालने भी नहीं आता हेडिंग, और इसी की वजह से नंबर कम आ जाता है हिंदी में बहुत बच्चों का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, इससे पहले खंड डालेंगे, खंड क, ठीक है। देखिए सीख लीजिए, काफी कम समय बचा है और अच्छे से लिखेंगे तो ही आपका नंबर आएगा अच्छा, ठीक है। यहाँ पे खंड क लिखेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। और इसको अंडरलाइन कर देना है ताकि अच्छा दिखे कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे खंड हो गया ना, अब इस खंड के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, ठीक है। नीचे कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे, ठीक है, प्रश्नोत्तर ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, अच्छे से समझ लीजिए ताकि एग्जाम के दिन कोई भी डाउट ना रहे और अच्छा से आप लिख कर आइए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लेंगे, बहुत ही अच्छे से लिखना है। अब यहाँ पे 1 नंबर कर रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे।
इसके बाद इतना काम कर लिए ना, पहला प्रश्न का क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न का क, यहाँ पे पहला लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क कर रहे हैं तो क लिख लीजिएगा, इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है तो तीसरा उतार देना है, यहाँ पे तीन लिखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आप ब्रैकेट बंद करके ब्लू पेन से इस ऑप्शन को उतारेंगे। क्या है ऑप्शन में कि हरिवंश राय बच्चन की, क्या लिखेंगे, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश, ठीक है ना, हरिवंश राय एक के में है, ठीक है ना, राय वचन बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है ना, इस तरीके से आपको अच्छे से लिखना है ताकि सबसे कॉपी आपकी सुपर जाए और एकदम धुआं धुआं कर देना है 16 फरवरी को, ठीक है। इसके बाद देखिए ख नंबर, विशस्य विस्मोधम की गद विदा है, विशस्य विस्मोधम की गद विदा है नाटक। चलिए थोड़ा समय बता देता हूँ ताकि अच्छे से तैयारी रहे, यहाँ पे पहला का ख लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा था सही था, दूसरा सही था, तो दूसरा इस तरीके से लिख लेंगे और यहाँ पे नाटक लिख देंगे, क्या लिखेंगे, नाटक, ठीक है ना, नाटक लिख लीजिएगा और इसको इस तरीके से खड़ी पाई दे दीजिएगा, ठीक है, या नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। अरे यावर रहेगा याद के लेखक अगे जी हैं, यहाँ पे तीसरा सही है, यहाँ पे पहला का ग लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा उतार देना है, अगे जी लिख देंगे, कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पे अगे, ठीक है, अगे जी लिख देंगे इस तरीके से, कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से जितने भी बहुविकल्पी पांचों हैं आप आराम से लिखिएगा, यहाँ पे घ नंबर का तीसरा दूसरा सही आलोक पर्व, यहाँ पे पहला का लिख लेंगे घ, ठीक है, लिखेंगे आलोक पर्व, यहाँ पे ऑप्शन उतारेंगे तीसरा दूसरा सही ऑप्शन, इसका दूसरा इस तरीके से आलोक पर्व लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, आलोक आलोक पर्व, आलोक पर्व लिखेंगे, ठीक है ना, आलोक पर्व इस तरीके से लिख लेंगे। अब लास्ट एक और ऑप्शन है ये वाला, निम्न में से डायरी विदा के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह, क्या लिखेंगे, तीसरा ऑप्शन सही है, पहला का अंगन नंबर लिखिएगा इस तरीके से, और कौन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शमशेर सिंह, यहाँ पे लिखेंगे शमशेर, यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी ये तलाबी से रहेगा, शेर बहादुर सिंह, बहादुर, ठीक है, और सिंह लिखिएगा इस तरीके से। आपका पांच क्वेश्चंस का बहुविकल्पी कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है ना, अब देखिए दूसरा को कैसे लिखेंगे, चलिए यहाँ पे जितने भी बच्चे को मैं तरीका ये बता रहा हूँ, बहुत ही सुपर तरीका है, मेरा भी मतलब कि 88% आया था इस तरीके से लिखे थे। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर इस तरीके से संख्या लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या, बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप लोग अच्छे से एकदम लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, बहुत ही बेस्ट तरीके से लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या, और यहाँ पे दो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, आप ही लोग के लिए मेहनत करके बनाया जा रहा है, तो आप लोग इसको लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश की वीडियो कैसे आएगी, तो आप लोग को ये छोटा सा काम करना है, लाइक शेयर कर देना है बच्चों में। दूसरा नंबर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को, तो अब एक ही प्रश्न ये बताएंगे तब से गद्यांश पर चलेंगे। देखिए दूसरा का यहाँ पे लिख लेंगे, दूसरा का क लिखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, तीसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, तो पृथ्वीराज रासो ब्लू पेन से लिखिएगा, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, यहाँ पे लिखिएगा पृथ्वीराज रासो, देखिए इस तरीके से लिख लेना है। एक आप लोग के लिए मोटिवेशन है, और बताइए कैसा है मोटिवेशन, कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आप लोग अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो आप जितना सोचे होंगे नंबर लाना उतना एकदम हकीकत में आएगा, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे दूसरा के क ख ग घ अंग, यानी पूरा जो है प्रश्न पाँच हो आप आराम से कर ही लेंगे। आपको बता दिया प्रश्न नंबर पहले के अकॉर्डिंग, ऐसे ही आपको दूसरा का भी कर लेना है पाँचों बहुविकल्पी, क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ से तीन नंबर क्वेश्चन जो कि 10-10 नंबर वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं ना कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये वाला पार्ट का ये गद्यांश हट गया है, ये चैप्टर को हटा दिया गया है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी होता है, इसको हटा दिया गया है, तो 30% जो सिलेबस कटा है ना उसी में है, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इससे टाइम इन्वेस्ट होगा, आगे बढ़ते हैं। अथवा में जो दिया है ये पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा,
क्या लिखा है कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृत की जन का मस्तिष्क है, संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृत का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन की जन अपनी संस्कृत में संस्कृत से विरहित कर दिया जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटपन का पुष्प संस्कृत है, संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही, यहाँ पे देखिए सौरभ में ही, इसके बाद राष्ट्रीय के राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। जैसे ही आपने इसको पढ़ा आपको तो आइडिया मालूम चल गया ना कि किस चैप्टर से ये गद्यांश दिया गया है। देखिए आपको ट्रिक बताता हूँ गद्यांश को पहचानने का कि किस पार्ट से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना राष्ट्र के समस्त, जहाँ भी राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर जो पढ़े होंगे राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से ये गद्यांश आया हुआ है। आपको ट्रिक से समझना है, कहीं ना कहीं आपको वो चैप्टर का नाम जरूर मिलेगा जिस चैप्टर से ये गद्यांश को दिया गया है, तो आपका दो नंबर का काम हो जाएगा। कैसे तरीका समझिए, यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है इसमें, इसके बाद पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम, शीर्षक मतलब किस पाठ से आया है, इस पाठ के लेखक कौन है ये लिख देंगे। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, किसी राष्ट्र का लोप कब हो जाता है, भूमि और जन के अंतर्निहित राष्ट्र में क्या महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं तरीका बताता हूँ गद्यांश कैसे सॉल्व करना। चलिए ये तो दूसरा नंबर तक हो गया था ना, अब देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहीं पे समझा देता हूँ आप लोग, लेकिन अच्छे से समझ लेंगे तो लिखने का तरीका आप समझ लेंगे तो कभी भी लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर ऐसे लिखिएगा, संख्या लिख दीजिएगा इस तरीके से, ओके प्रश्नोत्तर संख्या, अब यहाँ पे कितने नंबर है, 3 नंबर का अथवा कर रहे हैं तो यहाँ पे अथवा लिखिएगा, ठीक है ना, अथवा लिख दीजिए इस तरीके से, अथवा लिख कर और ब्रैकेट बंद कर लीजिए। और मेन बात आती है कि आप लोग इसका संकेत जरूर डालिएगा, यहाँ पे संकेत लिखिएगा, आइडिया देखिए अच्छा है, इसी तरीके से लिखेंगे तभी जाकर के अच्छा नंबर मिलेगा। संकेत में क्या लिखना है देखिए, जैसे कि यहाँ पे गद्यांश दिया है, देख रहे हैं ना ये गद्यांश, बिना संस्कृत के जन, तो शुरू में से 2 वर्ड उठा लीजिएगा, शुरू में से कितने वर्ड, 2 वर्ड उठाइए, जैसे कि बिना, यहाँ पे लिखा है ना कि बिना संस्कृत लिखा है ना, और यहाँ पे डॉट 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 करके इसको, तब से इसका आखिरी वाली लाइन में से थोड़ा सा लिख दीजिए, यश अंतर्निहित लिख दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे अंतर्निहित इस तरीके से लिख देंगे, खड़ी पाई दे दीजिए। और तब से इसका प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्या करना है समझिए, यहाँ पे लिख लेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश लिखिएगा, अंश की व्याख्या इस तरीके से लिख लेंगे ना आप, इसी तरीके से अच्छे से हेडिंग लगा के, और तब इसकी जो रेखांकित अंश की व्याख्या है आप लोग लिख लेंगे, 5 प्रश्न कर लेंगे ना आराम से। अब यहाँ से दिया है कि दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आप क्या दीजिए उत्तर देना है इसका, तो यहाँ पे बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी मैं भी थी एक अभी रागनी रानी। तो इस जैसे ही पद्यांश को पढ़ा आपने इसको मालूम हो गया किस पाठ से दिया है और इस पाठ के लेखक कौन है, तब जाके 5 प्रश्न का आंसर आप दे पाएंगे। आपको मैं इस पेपर का एनालिसिस करा देता हूँ कि कैसे करना है, तरीका मालूम रहेगा तो आप भी पढ़ सकते हैं। देखिए अथवा में भी दिया है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपवन में शीतल मंद बयार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जियो मधुमय संदेश। इसको भी कर सकते हैं या कोई एक कर सकते हैं अथवा में से, तो कर लीजिएगा, 5 प्रश्न है इसमें। अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ से,
तो पांच का क है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, लेखक है ना, लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द का सीमा जो है आप देख रहे हैं कि पांच नंबर, सॉरी मतलब कि 80 शब्द में लिखना है और ये 3 नंबर प्लस 2 नंबर यानी 5 नंबर का ये आएगा पेपर में इस बार। देखिए इंपॉर्टेंट, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का आप जीवन परिचय पढ़ करके जाइएगा इस बार और 100% तैयारी कर लेंगे ना तो आपको देखने को पेपर में मिलेगा इस बार। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव सर अग्रवाल, इनमें से मैं तो कहूंगा कि आप ये वाला याद करके जाइए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छे से पढ़ के जाइएगा। साहित्यिक पर्चे जीवन पर्चे दोनों लिखिएगा, ये नहीं कि साहित्यिक पर्चे लिख दीजिए जीवन पर्चे छोड़ दीजिए तो नंबर पक्का कटेगा। ये है जीवन पर्चे के लिए 3 अंक और ये साहित्यिक पर्चे के लिए 2 अंक, अच्छे समझ लीजिए। आगे चलेंगे पांच की खबर, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां का प्रकाश डालिए। 80 शब्द में लिखना है, यहाँ पे अयोध्य सिंह उपाध्याय हरिओ जी के बारे में लिख सकते हैं या मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में लिख सकते हैं या जयशंकर प्रसाद जी के, 3 ऑप्शन हैं इसमें से, जो कुछ भी आपको याद है उनके बारे में उन्हीं के बारे में लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में याद कर लीजिए, 100% पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो लाठी को इस बार हटा दिया गया है, इस बार लाठी नहीं आएगा, आपको बता देता हूँ पहले से, क्योंकि देखिए इस बार बहादुर पंच लाइट पर आएगा तो पंच लाइट को पढ़ लीजिएगा 100% बहादुर को, मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़िएगा 2 बहादुर को और पंच लाइट को पढ़ लीजिएगा, एकदम अच्छा से आपका नंबर आएगा। यहाँ से चलेंगे, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ये 7 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर का आता है लेकिन ये जिला वाइज आता है, इसका मतलब आप जिस जिले से हैं उस जिले में ये स्वपठित खंड का भी अलग पढ़ाया जाता है, हर एक जिला में ये अलग पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके जिले का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग होगा और कुछ जिले का कुछ अलग है, तो आपको ये बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा आप पढ़िए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि आप किस जिले से हैं, तो आपको जिला कमेंट करना होगा, उसी जिला के हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बता दूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप इस जिले से हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 8 से स्टार्ट होने चल रहा है, देखिए ये खंड ख से स्टार्ट हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। और एक चीज आपको गलती ये नहीं करना है कि देखिए समझिए कॉपी लिखने का तरीका, खंड ख जो है ये आपका संस्कृत गद्यांश यहाँ से आएगा, तो ये जो देख रहे हैं ना खंड क वाला, जितने भी प्रश्न आपने किया खंड क, तो ये वाला जो खंड क वाला प्रश्न को खंड क में ही करना है, क्या बता रहे हैं कि खंड क वाले प्रश्नों को खंड क में करना है और खंड ख वाले प्रश्न को खंड ख में करना है, ये गलती नहीं करना है कि खंड क वाले प्रश्न को खंड ख में ले जाकर करें और खंड ख वाले को खंड क में करें, ये गलती नहीं करना है, एग्जामिनर नंबर काट देता है इसीलिए। तो आपको खंड क वाले को खंड क में करना है। और एक गलती ये भी नहीं करना है कि कोई भी खंड कीजिए तो नया पृष्ठ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना, खंड क वाले को नया पृष्ठ से किए हैं वैसे ही अब खंड ख चल रहे हैं तो यहाँ से आपको नया पृष्ठ से स्टार्ट करना है। नया पृष्ठ का मतलब समझ में आ रहा है ना कि आपको आधा में पूरा हो गया ख तो यहीं से स्टार्ट कर दे, आधा में से ख नहीं करना है, ऐसा नया से स्टार्ट करना है। चलिए अब खंड ख देखिए, क से स्टार्ट होगा 8 के, कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये ध्यान रखना है कि संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणस् सुनिश्चितम तस्य गदे पदे ललित्यम भावबोधनम असमर्थ्य अद्वितीयम श्रुति मर्दुष वर्तते किम बहुना चरित्र निर्माणम या दृश्यम उत्प्रेरणा। जैसे इसको आपने पढ़ा आपको तो मालूम चल गया होगा कि कौन से संस्कृत के पाठ से इस गद्यांश को दिया है। अब क्या करेंगे, इसका पढ़ेंगे बढ़िया से और उस पाठ के गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो दिया है इसका पूरा हिंदी में अब अनुवाद करेंगे, क्योंकि ये संस्कृत में दिया है और इसी चीज को अब हिंदी में हम कन्वर्ट करते हैं यानी कि अनुवाद करते हैं, तो अब जाकर के कितना नंबर मिलता है, 7 नंबर, समझे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए आपको अथवा में भी दिया है, अगर ये करना चाहते हैं यज्ञवल्क के उवाचन व अरे मैत्री पतियो कमाए पतियो प्रियो भवत, तो इसको भी चाहे तो कर सकते हैं लेकिन एक ही करना है ये याद रखिएगा, यानी कि दोनों कर दीजिए तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा और नंबर भी एक ही पर मिलेगा, तो ध्यान ये रखना है। आगे चलिए 8 का ख देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ख,
दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये श्लोक होता है, इसको पद्यांश भी कह सकते हैं, पद्यांश से क्वेश्चन पूछेगा या श्लोक से। देखिए दो दिया रहेगा, एक अथवा में एक मेन के रूप में, किसी एक को ही करना है। लेकिन ये भी प्रश्न सात ही नंबर का आता है, जैसे कि इसको गद्यांश में दिया था, लिखा कि प्रीणाति यह सुचरितः पितरम सपुत्रो पुत्रो यद भर्तुरेव। अब इसके बाद हित मिच्छति तत्कल कल तत्रम। तो आपको अच्छे से पहले पढ़िएगा, आपको मान लीजिए कि ये नहीं आ रहा है, याद नहीं, तो ये पढ़ सकते हैं, उदेति सविता तमरात्रस्त्रा, आपको इसको पढ़ लेना है। जो आपको आ रहा होगा, याद होगा, वही कीजिए, एक कोई करके इसका संदर्भ लिख लेना है, इसके संदर्भ के बाद इसको हिंदी अनुवाद कर देना है, सात नंबर मिलेगा। इसी तरीके से करना है, आपको मैंने गद्यांश भी सॉल्व करने का तरीका बता दिया है। और ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये आपका व्याकरण से स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं ना, क्या लिखा गया इसमें, लिखा इसमें क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर के वाक्य में प्रयोग कीजिए, और एक एक नंबर मिलेगा, तब जाके दो नंबर पक्का होगा। वाक्य प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे, पहले नंबर उल्टी गंगा बहाना, इसका पहले अर्थ लिखेंगे तो एक नंबर मिलेगा, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर एक नंबर, ये दो नंबर का वाक्य प्रयोग के साथ होगा। आप देखिए पानी पानी होना, इसका भी लिख सकते हैं, मक्खन लगाना, इसका भी लिख सकते हैं, कलई खुलना, तो आप चार दिया है, किसी एक ही को लिखना है, चार में से तीन को छोड़ना है। ये नहीं कि चारों का लिख दीजिए तो आपकी गलती है, ये आप ऐसा गलती नहीं करना है पेपर में। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 का क लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए सचित का संधि विच्छेद क्या होता है, सत धनचित होता है, सही सही समझते चलिए। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि होता है, समझ ही रहे हैं। प्रेजते का संधि विच्छेद प्रधन ऐजते होता है, तो याद रखिएगा अच्छे से, इसी में से क्वेश्चन आएंगे 2023 में। आपको ये वायरल पेपर की तैयारी करा रहा हूँ, समझ लीजिए। ये खंड ख दिए गए निम्नलिखित शब्दों के विभक्ति और वचन बताइए, विभक्ति भी बताना है और वचन भी बताना है। तो देखिए सरिति शब्द का विभक्ति वचन, सरिति तृतीय विभक्ति और बहुवचन में आता है। रागे का बताइए, रागे का विभक्ति वचन चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आता है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही और चयन करके लिखिए। यहाँ पे श्रवण श्रमण, श्रवण का मतलब सुनना, श्रमण का मतलब क्या होता है, सन्यासी होता है, तो सुनना और सन्यासी हो जाएगा, दोनों यहाँ पे अर्थ बन नंबर सही है। आगे चलिए, आगे देखेंगे इसमें द्रव अद्रव्य, द्रव का मतलब होता है तरल और द्रव्य का मतलब होता है धन, तो तरल पदार्थ कह सकते हैं या जल भी कह सकते हैं, अधन भी कह सकते हैं, बन नंबर सही है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं इसी चीज को, जैसे अक्षत, अक्षत का मतलब जानते हैं, दल का मतलब जानते हैं, नग का मतलब, तो इसमें से किसी एक के दो अर्थ लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन कीजिए, जिसे कहा ना जा सके अकथनीय कहते हैं, जो कभी जन्म नहीं ले उसको बोलते हैं अजन्मा, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मैं सकुशल पूर्वक हूँ, इसके बाद मैं कुशल पूर्वक हूँ, पांच रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए, रेलवे के पांच कर्मचारी पकड़े गए, सरकारी मिट्टी के तेल की दुकान बंद है, सरकारी दुकान मिट्टी की, मतलब मिट्टी की सरकारी तेल की दुकान बंद है, उसका प्राण निकलने वाला है, इसको सही वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन दो को ही करना है। श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव उदाहरण के साथ लिखिएगा, दो नंबर मिलेगा। उत्प्रेक्षा अथवा यमक अलंकार उदाहरण के साथ लिखिएगा, दोहा अथवा कुंडलिया के बारे में लिखिए, ये छह नंबर फिक्स है, आप पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अपने क्षेत्र में प्रदूषित होने वाले उत्पन्न स्थिति को वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, छह नंबर का आता है पत्र लेखन। किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर आसानी से, अरे सॉरी, अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए ये वाला पत्र लेखन का वीडियो मैं बना दिया हूँ, यूट्यूब स्टडी पत्र लेखन डालिए, फटाक से आएगा, पहले तैयारी कर लीजिएगा उसको। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आसानी से अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, 9 नंबर का। वर्तमान में कृषकों की समस्या एवं उसका समाधान, मेरे प्रिय लेखक, इस पर मैंने अभी वीडियो डाला है 1 घंटे पहले, आप जाकर देखिए, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तैयारी कीजिए, मेरे प्रिय लेखक उस जयशंकर प्रसाद जी पर डाले हैं। आगे देखिए वनों की उपयोगिता, इस पर भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं। प्रदूषण की समस्या एवं समाधान,
इस पर भी वीडियो बना दिए हैं पहले से ही। बढ़ती जनसंख्या एवं रोजगार की समस्या, इस पर भी वीडियो मैं बना दिया हूं। तो ये पेपर जो बच्चे अच्छे से अगर पढ़ के जाता है, ए टू जेड क्वेश्चन को रिवीजन करके जाता है, तो आप समझिए कि इसमें से ही क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको नेक्स्ट डे हम इंग्लिश की फुल सोल्यूशन के साथ वीडियो लेकर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कल वीडियो आ रही है नेक्स्ट डे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।